जाहिर है कि जैसे हमने स्कूल अच्छे कर दिए, जैसे हमने अस्पताल अच्छे कर दिए, मैंने एक बार पहले भी कहा था, जो कुछ घटनाक्रम चल रहा है इसमें दिल्ली पुलिस का दोष नहीं है। अगर आप दिल्ली पुलिस के सिपाहियों को बोलोगे देखो उधर मारपीट होने दो, तुम अंदर नहीं जाओगे, तुम बाहर खड़े रहना, तो वो बेचारा अंदर कैसे जा सकता है? उसको तो सस्पेंड कर देंगे, उसको ऊपर से आदेश है, ऊपर से आदेश आता है कि वहाँ पे हिंसा हो रही है उसको रोको, तो दिल्ली पुलिस जान की बाजी लगा के उसको रोकती है। उनको आदेश आता है हिंसा होने दो, होने के बाद उनको निकल जाने दो, और जब निकल जाए फिर तुम अंदर जाना, तो वो बेचारा वही करता है। एक मिनट। तो दिल्ली में शिक्षा में स्कूलों के अंदर जब हमने टेक ओवर किया था, जो टीचर्स थे उन्हीं टीचर्स से हमने ठीक किया, जो अस्पतालों में डॉक्टर थे उसी से हमने ठीक किया। हमारे 55,000 टीचर्स को हमने बदला नहीं, टीचर्स बहुत अच्छे थे, उनको कभी मौका नहीं दिया गया, पॉलिटिकल विल नहीं थी। आज दिल्ली पुलिस को अगर आप ये आदेश दो कि दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना है, चोरियां नहीं होनी चाहिए, ये सब बलात्कार नहीं होने चाहिए, आप देखिए करके दिखाएंगे। ऊपर से आदेश अगर ये आता है कि आपको हिंसा रोकनी नहीं है, आपको लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं करना, तो बेचारे पुलिस वाले क्या करेंगे? अगर वो ऊपर से जो इनफॉर्मल आदेश आते हैं उसको नहीं मानेंगे तो फिर उनकी तो नौकरी चली जाएगी।